जयपुर की का राजस्थान अपने इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है, जिन्हें देखने के लिए साल भर देश दुनिया से काफी लोग यहां पहुंचते हैं। राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, दिलचस्प कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात ही कुछ और है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में स्थित राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक किले और वास्तुकला लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह में भी जयपुर का नाम आता है। शहर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए समय समय पर कई तरह के फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन जिस एक जगह को देखने के लिए टूरिस्ट का तांता लगा रहता है वो है यहाँ का हवा महल, जिसे आपने नहीं देखा तो क्या देखा। जी हाँ, हवा महल जयपुर का सबसे आकर्षक स्थल है, जो अपने गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों की वजह से दूर दूर तक लोकप्रिय है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जो साल हालांकि इसका निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यही वजह है कि उन्होंने इस महल को श्री कृष्ण के ताज का रूप दिया था। आज ये महल जयपुर की सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो ठोस नींव की कमी की वजह से 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हवा महल गर्मियों के मौसम में राजपूतों का विश्राम स्थल रहा करता था। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें से हवा आती रहे, ताकि गर्मियों के दौरान यहाँ रहने वाले लोगों को हल्की राहत मिल सके। बात करें इसकी बनावट की, तो हवा महल के नाम की तरह इसकी बनावट भी बहुत अद्भुत है। 5 मंजिला इस इमारत को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए पर्यटक रैंप का इस्तेमाल करते हैं। जब सुबह के समय इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ मौजूद अलग अलग कमरों को अलग अलग नाम दिया गया है। सभी कमरों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कमरों और उनके लगाई गई खिड़कियां, दरवाजों की नक्काशी इतनी सुंदर है कि आपकी नजरें उनसे नहीं हटेंगी। खास बात यह है कि उस जमाने में इनको बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं बल्कि यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका कहा जाता है। इन पर बहुत ही बारीकी से सुंदर नक्काशी की गई है। इन्हें बनवाने की वजह भी बेहद खास थी। दरअसल शाही परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी,
क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी। इस नियम के अनुसार महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होता था। वह भूल से भी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। ऐसे में सड़कों पर होने वाले कार्यक्रमों और नाटकों को वो इन झरोखों से ही देखती थी। इन खिड़कियों को बहुत ध्यान से बनवाया गया था ताकि महिलाओं को बाहर का नजारा देखने में जरा सी भी असुविधा न हो। इस महल के बारे में जाया जा सकता है। यहाँ से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और सिरे देवरी बाजार बहुत अच्छे से दिखता है। महल के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ ऐतिहासिक चीजों का संग्रह देखने को मिलता है। बात करें इसके टिकट की तो हवा महल की टिकट भारतीयों के लिए 50 रुपए और विदेशी लोगों के लिए टिकट 200 रुपए है। आप चाहें तो जयपुर के 6 स्मारकों को देखने की संयुक्त टिकट भी ले सकते हैं जो आपको हवा महल के टिकट काउंटर से मिल जाएगी। ऐसे में अगली बार जब भी आप गुलाबी शहर जयपुर में जाने का प्लान करें तो हवा महल को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।